हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू बैक टू माय चैनल लीगम सेशंस। सो आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट डॉक्ट्रिन जो कि डील करता है विद द कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज ऑफ आ कंट्री, दैट इज़ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ये डॉक्ट्रिन है डॉक्ट्रिन ऑफ रिस्पेक्टिव ओवर रूलिंग। अब ये जो डॉक्ट्रिन है, जब भी आप कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हैं तो इसमें बहुत सारे डॉक्ट्रिन्स जो हैं वो आते हैं। सो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट डॉक्ट्रिन्स इज़ दिस डॉक्ट्रिन ऑफ प्रस्पेक्टिव ओवर रूलिंग। नाउ सबसे पहले हम समझते हैं दैट प्रस्पेक्टिव ओवर रूलिंग का मतलब क्या होता है। अगर हम इस वर्ड को दो हिस्सों में डिवाइड कर दें, हमारे पास दो वर्ड्स आते हैं, प्रस्पेक्टिव एंड अदर इज़ ओवर रूलिंग। सबसे पहले आता है द वर्ड प्रस्पेक्टिव। अब प्रस्पेक्टिव का क्या मतलब होता है? इट मीन्स समथिंग विच इज़ एप्लीकेबल इन द फ्यूचर। मतलब अगर आज कोई लॉ जो है वो बनाया गया है लेकिन उसकी एप्लीकेबिलिटी जो है वो फ्यूचर डेट से होगी, मतलब जो आपके केसेस जो हैं या सिचुएशंस फ्यूचर में अराइज होंगी उनके ऊपर जो है प्रेजेंट लॉ जो अभी डिसाइड किया गया है वो अप्लाई किया जाएगा। इसको हम कहते हैं प्रोस्पेक्टिव इन नेचर। टू मेक इट मोर क्लियर, आप इसको रिलेट कर सकते हैं विथ रेट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन ऑफ लॉज। देखिए, जब भी सुप्रीम कोर्ट जो है कोई डिसीजन देता है, इट बिकम्स अ लॉ एंड इट इज़ एप्लीकेबल एज अ प्रेसिडेंट, राइट। अब ऐसे लॉ की जो है दो तरीके की एप्लीकेशन हो सकती है, रेट्रोस्पेक्टिव एंड प्रोस्पेक्टिव। रेट्रोस्पेक्टिव का एप्लीकेशन का मतलब है दैट इट विल बी एप्लीकेबल फ्रॉम द बैक डेट इटसेल्फ, एंड प्रोस्पेक्टिव इसके ऑपोजिट है, दैट इज़ इट विल बी एप्लीकेबल फ्रॉम द फ्यूचर। दूसरा वर्ड आता है इसमें ओवर रूलिंग। अब ओवर रूलिंग का मतलब है दैट कोर्ट जो है अपने प्रीवियस डिसीजन को रिवर्स कर देता है, जब उसको हम कहते हैं ओवर रूलिंग, दैट द कोर्ट हैज़ ओवर रूल्ड इट्स अर्लियर डिसीजन। जो पहला डिसीजन था उसको रिवर्स करके उसके ऑपोजिट जब कोर्ट डिसीजन देती है न्यू केस में, दैट इज़ नोन एज ओवर रूलिंग। तो अगर हम इन दोनों वर्ड्स को साथ में कंबाइन कर देते हैं, इट इज़ प्रोस्पेक्टिव ओवर रूलिंग। मतलब एक केस में सुप्रीम कोर्ट ने अपने प्रीवियस डिसीजन को ओवर रूल कर दिया, उसको रिवर्स कर दिया, लेकिन उसकी जो एप्लीकेबिलिटी जो है न्यू लॉ की, दैट इज़ मेड प्रोस्पेक्टिव इन नेचर। मतलब वो लॉ जो है वो फ्यूचर डेट से अप्लाई करेगा, इट विल नॉट अप्लाई फ्रॉम द बैक डेट। तो ये हमारा कहता है डॉक्ट्रिन ऑफ प्रोस्पेक्टिव ओवर रूलिंग। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि ये जो आपका डॉक्ट्रिन है ये कौन से केस में इवॉल्व किया गया था। बहुत फेमस और बहुत इम्पॉर्टेंट केस बनता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का, दैट इज़ गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1967। ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और डिसीजन है सुप्रीम कोर्ट का आपके कॉन्स्टिट्यूशन के रिगार्डिंग। And this was a decision given by an 11 judges bench and it was in 6:5 ratio. और इसमें जो doctrine है of prospective overruling वो evolve किया गया था by Justice K. Subha Rao. He was the one who devised this doctrine of prospective overruling. तो जो भी decision था in Golaknath's case, वो law जो है, it was said that it will be applicable from the future date. और इस केस में जो है सुप्रीम कोर्ट ने रिवर्स किया था अपना अर्लियर डिसीजन। वो कौन सा डिसीजन था वो हम आप ही आगे वीडियो में डिस्कस डेफिनेटली करेंगे। केस लॉस को डिस्कस करने से पहले अब देखिए, क्वेश्चन ये आता है कि प्रोस्पेक्टिव ओवर रूलिंग की रिक्वायरमेंट क्या होती है। देखिए, ऑलरेडी एक केस में जो है सुप्रीम कोर्ट ने अपना जब डिसीजन देते हैं, दैट बिकम्स द लॉ ऑफ द कंट्री, इट इज़ यूज्ड एज अ प्रेसिडेंट और उसकी एप्लीकेबिलिटी जो है वो स्टार्ट हो जाती है। आज फॉर एग्जांपल, आज सुप्रीम कोर्ट ने कुछ लॉ बनाया, उसकी एप्लीकेशन जो है वो स्टार्ट हो गई है। से आफ्टर 10 ईयर्स सेम सब्जेक्ट मैटर पे कुछ और लॉ केस जो है वो कोर्ट के सामने आता है एंड द सुप्रीम कोर्ट रिवर्सेज इट्स अर्लियर डिसीजन विच हैज़ बिन टेकन टूडे।
2020 में जो है डिसीजन लिया गया से आफ्टर 10 ईयर्स 2030 में जो है दोबारा से सेम सब्जेक्ट मैटर पे एक केस आता है सुप्रीम कोर्ट के पास, सेम इश्यूज जो है उसमें रेज किए जाते हैं और न्यू केस में जो है सुप्रीम कोर्ट रिवर्स कर देता है अपना डिसीजन जो उसने 2020 में लिया था. दैट इज़ द कोर्ट ओवर रूल्स इट्स अर्लियर डिसीजन. अब देखिए 2020 से लेके 30 तक वो 10 ईयर्स के स्पैन में जो पुराना लॉ है उसकी एप्लीकेबिलिटी जो है वो डेफिनेटली हो चुकी है पूरी ही पूरी कंट्री में. अब जो न्यू लॉ बनाया गया है अगर उसकी एप्लीकेशन बैक डेट से कर दी जाएगी तो इट विल रिजल्ट इनटू मल्टीप्लिसिटी ऑफ योर लिटिगेशंस. बहुत सारे लिटिगेशंस जो हैं वो कोर्ट में आने स्टार्ट हो जाएंगे, बहुत सारे न्यू मैटर्स जो हैं वो अराइज हो जाएंगे, बहुत सारे सूट्स जो हैं, केसेस जो हैं, अपील्स जो हैं, यू नो लिटिगेशंस जो हैं वो कोर्ट में आने स्टार्ट हो जाएंगे. दिस विल अल्टीमेटली लीड टू अ सिचुएशन ऑफ कायोस, कंप्लीट कायोस और क्योटिक सिचुएशन कंट्री में जो है वो अराइज हो जाएगी. टाइम वेस्टेज होगा. सो अगर कोर्ट को लगता है हमें इस सिचुएशन को अवॉइड करना है, हमने ऐसी ह्यू एंड क्राई की सिचुएशन जो है वो कंट्री में क्रिएट नहीं करनी, तो कोर्ट उसी समय जो 2030 में ओवर रूल कर दिया है उसने अपने पुराने डिसीजन को, साथ में ही जो है इट सेज दैट दिस लॉ विल बी एप्लीकेबल प्रोस्पेक्टिवली मीन्स फ्रॉम द फ्यूचर. चाहे हमने अपने पिछले डिसीजन को ओवर रूल कर दिया है लेकिन जो नया लॉ है वो प्रोस्पेक्टिवली फ्रॉम द फ्यूचर डेट एप्लीकेबल होगा, यानी कि आगे डेज में जो पहले हो चुका है वो हो चुका है. दिस इज नोन एज द डॉक्ट्रिन ऑफ प्रोस्पेक्टिव ओवर रूलिंग और यही इसका कारण होता है कि ये यू नो इस डॉक्ट्रिन को अप्लाई करने के लिए. जब ये डॉक्ट्रिन सबसे पहले आया था तो बोला गया था दैट दिस डॉक्ट्रिन कैन बी यूज्ड ओनली बाय द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ द कंट्री, दैट इज़ द सुप्रीम कोर्ट, एंड ओनली इन द कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स. जो आपके मैटर्स रिलेट करेंगे विद द कॉन्स्टिट्यूशन. बट विद द पैसेज ऑफ टाइम इट हैज़ बीन सीन दैट ये जो डॉक्ट्रिन है ये कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स के अलावा भी जो है कहीं मैटर्स में यूज़ किया गया है. एक और एग्जांपल के साथ आपको क्लियर हो जाएगा. इंदिरा सहाने का केस, जिसको कॉमनली मंडल कमीशन केस भी कहा जाता है, इस केस में भी जो है प्रोस्पेक्टिव ओवर रूलिंग ही हुई थी. इस केस में बोला गया था कि जो डिसीजन लिया जाएगा दैट विल बी मेड एप्लीकेबल आफ्टर 5 ईयर्स, मतलब कि डिसीजन के 5 साल ख़त्म होने के बाद जो है उस लॉ की एप्लीकेशन स्टार्ट होगी. सो ये भी जो है इस डॉक्ट्रिन का एक बहुत सेट एग्जाम्पल है. ओके, अब हम समझते हैं दैट व्हाट वाज द डिसीजन टेकन इन द गोलकनाथ केस. इसको अंडरस्टैंड करेंगे हम एक टाइमलाइन ऑफ केसेस के थ्रू, जिसमें हम डिस्कस करेंगे 3 इम्पॉर्टेंट केसेस. सबसे पहला आता है आपका शंकरी प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1951. सेकंड इज योर सज्जन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान 1965. और तीसरा आता है गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1967. अब इन तीनों केसेस में जो आपके आर्टिकल्स इन्वॉल्व हैं दैट इज़ आर्टिकल 13 एंड आर्टिकल 368 ऑफ योर कॉन्स्टिट्यूशन. अब आर्टिकल 368 जो है वो आपको प्रोवाइड करता है द पावर्स एंड द प्रोसीजर कि किस तरीके से आप अमेंड कर सकते हैं द प्रोविजंस कंटेंड इन योर कॉन्स्टिट्यूशन इट्सेल्फ. और जो आर्टिकल 13 है उसका जो क्लॉज 3 है, आर्टिकल 13 क्लॉज 3 डिफाइंस द टर्म लॉ. वहाँ से आपको ये पता चलता है कि जो टर्म लॉ है उसमें कौन सी चीज़ें जो हैं वो इंक्लूड की जाती हैं. इसके अलावा जो आर्टिकल 13 है वो बेसिकली काइंड ऑफ प्रोटेक्शन देता है आपके फंडामेंटल राइट्स को. देखिए जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं राइट्स, बेसिक राइट्स हैं जो कि इम्पॉर्टेंट होते हैं हर एक सिटीज़न के लिए ऑफ आ कंट्री. सो जो आपको प्रोवाइडेड है इन योर कॉन्स्टिट्यूशन पार्ट 3 फ्रॉम आर्टिकल नंबर 12 टू आर्टिकल नंबर 35, राइट. सो आर्टिकल 13 ये कहता है कि कोई भी ऐसा लॉ है जो कि इनकंसिस्टेंट है, ठीक है, कोई भी लॉ ऐसा बनता है जो कि इनकंसिस्टेंट है विद द प्रोविजंस ऑफ योर फंडामेंटल राइट, या फिर वो वायलेट करता है आपके किसी भी फंडामेंटल राइट को, तो कोर्ट के पास पावर है कि वो ऐसे लॉ को डिक्लेयर कर सकता है एज वॉइड. सो जो बेसिक क्वेश्चन इन तीनों केसेस में ये था कि जो आप अमेंडमेंट करते हैं बाय यूजिंग आर्टिकल 368,
whether that amendment falls within the meaning of the term law which is used under Article 13 Clause 3. अब इस क्वेश्चन का एक बड़ी कॉन्सिक्वेंस देखिए कि फॉर एग्जाम्पल पार्लियामेंट ने कोई अमेंडमेंट किया आर्टिकल 368 को यूज़ करके, अगर वो अमेंडमेंट जो आर्टिकल 13 क्लॉज 3 लॉ है उसमें फॉल करता है, दैट मीन्स कि जो आपकी प्रोविजंस हैं ऑफ आर्टिकल 13 वो उसके ऊपर अप्लाई कर जाएंगे। अगर कोर्ट को लगेगा कि वो जो अमेंडमेंट है वो आपकी इनकंसिस्टेंट है, किसी तरीके से आपकी इन्फ्रिंज कर रही है किसी भी फंडामेंटल राइट को, तो कोर्ट उसको वॉइड डिक्लेयर, अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर सकता है। ऑन दी अदर हैंड, अगर जो आप अमेंडमेंट करते हैं 368 को यूज़ करके वो आपके आर्टिकल 13 क्लॉज 3 के टर्म लॉ में फॉल नहीं करेगा, तो आपके आर्टिकल 13 की जो प्रोविजंस हैं वो ऑल टुगेदर उसके ऊपर अप्लाई नहीं करेंगे, मींस कोर्ट उसको जो है वॉइड या फिर अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर नहीं कर सकता। तो यही बेसिक क्वेश्चन था इन तीनों केसेस में, दैट व्हेन यू मेक एन अमेंडमेंट अंडर आर्टिकल 368 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, वेदर दैट विल फॉल विद इन द टर्म लॉ व्हिच इज डिफाइंड अंडर आर्टिकल 13 क्लॉज 3 और नॉट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि ऐसा क्वेश्चन, ऐसा इशू रेज क्यों हुआ। देखिए, व्हेन इंडिया गॉट इंडिपेंडेंट तो गवर्नमेंट ने एक ज़मींदारी अबॉलिशन प्रोग्राम स्टार्ट किया। इस ज़मींदारी अबॉलिशन प्रोग्राम का बेसिक मोटिव क्या था कि जो भी आपकी एक्सेसिव एग्रीकल्चरल लैंड्स अवेलेबल हैं विद द ज़मींदार्स, उनसे वो लैंड को वापस लिया जाए और जो आपके लैंडलेस पीपल हैं, जो लेबरर्स हैं, उनको जो है वो लैंड डिस्ट्रीब्यूट की जाए। तो बेसिक ऑब्जेक्टिव या फिर पर्पस था एक सोशल और इकोनॉमिक इक्वालिटी जो है उसको बेसिकली मेंटेन करना पूरे के पूरे कंट्री में। सो इस ज़मींदारी अबॉलिशन प्रोग्राम के अंडर द गवर्नमेंट सेड कि जो स्टेट हैं, जो लोकल स्टेट्स हैं, वो अपने खुद के लैंड एक्विजिशन लॉज जो है, लैंड रिफॉर्म लॉज जो हैं बनाकर ज़मींदार से जो है एक्सेसिव एग्रीकल्चरल लैंड्स को वापस ले सकती है। अब इसके बाद क्या हुआ, इस प्रोग्राम के अंडर डिफरेंट स्टेट्स ने अपने अबॉलिशन प्रोग्राम्स जो हैं वो स्टार्ट कर दिए। ऐसा ही एक बिहार में एक बिहार लैंड रिफॉर्म करके एक्ट जो है वो निकाला गया। उस एक्ट के अंदर तीन ज़मींदार से उनकी जो एग्रीकल्चर एक्सेसिव लैंड थी वो वापस ले ली गई। इस चीज़ को जो है वो चैलेंज किया गया बिफोर द सुप्रीम कोर्ट कि ये जो बिहार लैंड रिफॉर्म एक्ट पास किया गया है ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, बिकॉज ये वायलेट करता है आपका फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 14 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और सुप्रीम कोर्ट ने अपहेल्ड किया और बोला कि ये जो एक्ट है ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, द कोर्ट डिक्लेयर्ड दिस एक्ट एज अनकॉन्स्टिट्यूशनल बिकॉज इट वायलेट्स योर आर्टिकल 14। अब जब कोर्ट ने ये डिसीजन दिया, द गवर्नमेंट थॉट दैट सच काइंड ऑफ डिसीजंस गिवन बाय द सुप्रीम कोर्ट इट विल बी अ हिंडरेंस इन आवर ज़मींदारी अबॉलिशन प्रोग्राम, बिकॉज अगर कोर्ट जो है ऐसे डिसीजंस देती रहेगी तो वो बहुत सारे ऐसे एक्ट्स हैं, रेगुलेशंस हैं, जिसको वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर करता जाएगा और जो हमारा ऑब्जेक्टिव है ज़मींदारी अबॉलिशन करने का वो कभी भी फुलफिल नहीं हो पाएगा। तो इस डिसीजन के बाद फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गया 1951 में, जिसके थ्रू अमेंडमेंट करके कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ न्यू आर्टिकल्स और एक स्केड्यूल ऐड किया गया, आर्टिकल 31A, 31B अलॉन्ग विद 9th स्केड्यूल वॉज एडेड थ्रू दिस फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। अब इन तीनों चीज़ों को ऐड करने का पर्पस यही था कि हम कोर्ट की इंटरवेंशन जो है इन मैटर्स में टोटली बंद कर दें, कि कोर्ट जो है जो ज़मींदारी अबॉलिशन के कोई भी एक्ट्स या फिर लॉज बनाए जाते हैं, कोर्ट इज़ अवे फ्रॉम दैट, इट कैन नॉट इंटरफेयर इन दीज मैटर्स, वो ऐसे लॉज को अनकॉन्स्टिट्यूशनल या फिर वॉइड डिक्लेयर नहीं कर सकती है। और 9th स्केड्यूल में स्पेसिफिकली लिख दिया गया है कि जो भी एक्ट्स, जो भी आपके रेगुलेशंस, जो भी लॉज आपके 9th स्केड्यूल में लिखे जाएंगे, दे आर कम्प्लीटली आउट ऑफ द परव्यू ऑफ द कोर्ट, जुडिशियल रिव्यू जो है उनका बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। सो ऐसे अमेंडमेंट लाकर जो है कोर्ट को जो है बिल्कुल ही आउट कर दिया गया, दैट इट कैन नॉट इंटरफेयर विद दीज रेगुलेशंस एंड एक्ट। तो सबसे पहले जो आपका केस आया था दैट वॉज ऑफ शंकरी प्रसाद वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया 1951, उसमें इसी फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को चैलेंज किया गया था दैट दिस इज़ अनकॉन्स्टिट्यूशनल।
इसी केस में क्वेश्चन रेज किया गया था कि जो आप अमेंडमेंट कर रहे हैं बाय यूजिंग आर्टिकल 368, वेदर दैट अमेंडमेंट फॉल्स अंडर द टर्म लॉ यूज्ड अंडर आर्टिकल 13 क्लॉज 3. इफ येस देन द कोर्ट हैज द पावर टू डिक्लेयर इट वॉइड एंड अनकॉन्स्टिट्यूशनल, इफ नॉट देन नो. सो इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या डिसीजन दिया? सुप्रीम कोर्ट सेड दैट दीज टू पावर्स आर डिफरेंट. जो आपकी 13 क्लॉज 3 में पावर है वो एक लेजिस्लेटिव पावर है, और जो आपके आर्टिकल 368 में पावर है कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने की, दैट इज़ अ कॉन्स्टिट्यूएंट पावर. सो दोनों चीज़ें अलग हैं. जो आपका अमेंडमेंट होता है 368 के अंडर, वो आपका टर्म लॉ दैट इज़ 13 क्लॉज 3 में फॉल नहीं करता है. राइट, दिस वॉज ए डिसीजन. उसके बाद ऐसे करते करते फिर हमारे पास आया 17th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट. जो 17th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ, उसमें जो 9th स्केड्यूल है उसमें 44 न्यू एक्ट्स जो हैं वो और ऐड कर दिए गए. यानी उन एक्ट्स के ऊपर भी जो है अब कोर्ट बिल्कुल भी रिव्यू नहीं कर सकता है. कोर्ट की इंटरफेरेंस जो है उन एक्ट्स में टोटली ख़त्म कर दी गई. फिर केस आया सज्जन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान, जिसमें ये जो 17th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है अलॉन्ग विद द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट वॉज अगेन चैलेंज्ड एंड द सेम क्वेश्चन वॉज रेज्ड. लेकिन सज्जन सिंह के केस में सुप्रीम कोर्ट ने अपहेल्ड किया अपना प्रीवियस डिसीजन को ही. इट अपहेल्ड द डिसीजन विच वॉज टेकन इन द केस ऑफ शंकरी प्रसाद, एंड वंस अगेन द कोर्ट हेल्ड दैट जो अमेंडमेंट है अंडर आर्टिकल 368 दैट इज डिफरेंट, वो आपकी टर्म लॉ आर्टिकल 13 क्लॉज 3 के अंडर फॉल नहीं करता. ये डिसीजन आया था इन 1965, यानी 1967 कोर्ट के सामने गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब के केस में सेम क्वेश्चन जो है वो रेज किया गया था. और इस केस में जो है कॉन्स्टिट्यूशन की फर्स्ट अमेंडमेंट, फोर्थ अमेंडमेंट और 17th अमेंडमेंट को जो है वो चैलेंज किया गया था. दिस इज़ अनकॉन्स्टिट्यूशनल बिकॉज ये आपके इन्फ्रिंज कर रही है फंडामेंटल राइट्स को. अब गोलकनाथ के केस में जो है दो इंपॉर्टेंट डिसीजंस लिए गए थे. सबसे पहले कोर्ट ने जो अपना पुराना डिसीजन था इन सज्जन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान, उसको रिवर्स कर दिया, और कोर्ट ने हेल्ड किया कि जो आप अमेंडमेंट करते हैं अंडर आर्टिकल 368 दैट इज़ नथिंग एल्स बट अ लॉ. वो लॉ ही है, एक लेजिस्लेटिव प्रोसेस उसको माना गया. दैट इज़ वाई दैट फॉल्स विद इन द टर्म लॉ अंडर आर्टिकल 13 क्लॉज 3. दैट इज़ इट ओवररूल्ड इट्स अर्लियर डिसीजन. राइट, और दूसरा कोर्ट ने ये हेल्ड किया कि अगर आप मार्जिनल नोट को रेफर करते हैं आर्टिकल 368, तो वहाँ से आपको पता चलता है दैट इट ओनली प्रिस्क्राइब्स यू द प्रोसीजर फॉर द अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. वो सिर्फ आपको इतना बताती है कि अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करना चाहते हैं तो क्या आपके पास प्रोसीजर है. पार्लियामेंट के ऊपर वो कोई पावर जो है वो कॉन्फर नहीं कर रही है. सो जो अमेंडमेंट की पावर होती है इसको हम एक कॉन्स्टिट्यूएंट पावर नहीं मानेंगे, इसको हम एक नॉर्मल लेजिस्लेटिव पावर जो है एक लेजिस्लेटिव प्रोसेस ही कंसिडर करेंगे, और एक लेजिस्लेटिव प्रोसेस होने के कारण इट विल बी नथिंग एल्स बट लॉ ओनली. राइट, सो इन दिस केस द वैलिडिटी ऑफ द फर्स्ट, फोर्थ एंड द 17th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट वॉज हेल्ड टू बी अनकॉन्स्टिट्यूशनल बिकॉज उन्होंने कहा कि ये अब्रिज कर रही है, वायलेट कर रही है आपके फंडामेंटल राइट्स को. लेकिन वही जो हमने पहले डिस्कस किया कि कंट्री में एक क्योटिक सिचुएशन ना क्रिएट हो, डॉक्ट्रिन ऑफ प्रस्पेक्टिव ओवर रूलिंग भी जो है वो लगा दी गई, और ये बोल दिया गया कि ये जो आपका रूल है दैट विल बी एप्लीकेबल फ्रॉम द फ्यूचर डेट. राइट, अब जब ये गोलकनाथ का केस आया तो द गवर्नमेंट वॉज लाइक कि अब तो टोटली जो हमारा ऑब्जेक्टिव है यू नो परमानेंट सेटलमेंट्स को ख़त्म करने का, ज़मींदारी अबॉलिश करने का, दैट इज़ कम्प्लीटली हिंडर्ड. सो एक बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सिक्वेंस हुआ इस गोलकनाथ डिसीजन का, दैट 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है वो कर दी गई. अब 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में दो चीज़ें आई. पहली चीज़ ये आई दैट उन्होंने अमेंड कर दिया आर्टिकल 13 और आर्टिकल 368 को. ठीक है, आर्टिकल 13 क्लॉज 4 इंट्रोड्यूस हुआ, और सेम साइमल्टेनियस सेम वर्डिंग्स में जो है
आर्टिकल 368 में भी इंट्रोड्यूस किया गया। और इस अमेंडमेंट से ये बोला गया कि जो कुछ भी आप आर्टिकल 368 को यूज़ करके अमेंडमेंट करते हैं वो आपकी फॉल नहीं करती है आर्टिकल 13 क्लॉज 3 के टर्म लॉ के अंदर। और दूसरी चीज़, उन्होंने जो मार्जिनल नोट था अटैच टू आर्टिकल 368 उसको भी अमेंड कर दिया। और इट वॉज पावर ऑफ द पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड प्रोसीजर्स देयर ऑफ। मतलब उन्होंने वर्ड पावर भी ऐड कर दिया ये शो करने के लिए कि पार्लियामेंट के पास पूरी की पूरी पावर है टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंट्री इंक्लूडिंग द फंडामेंटल राइट्स ऑल्सो। राइट, बिकॉज गोलकनाथ में तो कोर्ट ने कम्प्लीटली, सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली बोल दिया था कि द पार्लियामेंट हैज़ नो पावर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। दैट इज़ वाई जो कॉन्स्टिट्यूशन जो अमेंडमेंट्स चैलेंज की गई हैं वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दी जाएंगी। सो इसको इसके गोलकनाथ के केस के इफेक्ट को ख़त्म करने के लिए ये 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गया। और अब जो है पार्लियामेंट को कम्प्लीट पावर दे दी गई दैट इट कैन अमेंड एनी प्रोविजन ऑफ योर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। लेटर ऑन जो 24th अमेंडमेंट है इसको भी चैलेंज किया गया था इन अ वेरी फेमस केस लॉ विच वॉज केशवानंदा भारती वर्सेज स्टेट ऑफ केरला। ये केस लॉ तो हर एक ने ही सुना हुआ है। सो नेक्स्ट वीडियो में आई विल डिस्कस विद यू द चैलेंज ऑफ द 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट और वॉट वॉज हेल्ड इन केशवानंदा's केस। सो दिस वॉज ऑल अबाउट today's video. If you liked it, then do give it a thumbs up and share my video and also subscribe to my channel. Thank you.